पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर थाना बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके दो साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पकड़े गए आरोपितों के पास से 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरोह के अन्य लोगों की पहचान के लिए पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए तस्कर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सर, कोई सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग बाहर अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है गांजे की स्मगलिंग कर रहे हैं, उस पर उन्होंने एसएसपी साहब ने और हमारे हरिश्चंद्र एसपी आरए साहब ने एक टीम लगाई क्राइम ब्रांच की, तो जॉइंटली कल ऑपरेशन में इस अखेड़ी मोड़ पर खड़े हुए एक सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर UK07AH87 है, ये आ रही है और इसमें भारी मात्रा में गांजा मौजूद है। इसको इस गाड़ी को रोका गया, इसने भागने का प्रयास करा, जॉइंट टीम ने उसको अपनी टैक्टिक से कब्जे में लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक दोवट का है, एक शामली का, जिनके नाम हैं इमरान और शकील। दो अभियुक्त हैं अयूब और इरफान, जो मौके से भागने में सफल रहे हैं।